Joe. You're gonna be the next president of the United States. Yes, we did it. ये थी कमला हैरिस, अमेरिका की अगली उपराष्ट्रपति। आप देख रहे हैं द बोलती बंद, मैं हूँ आपके साथ कल्पना वर्मा। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को हराकर जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनेंगे। जो बाइडेन को लेकर तो आपने कई सारी खबरें सुनी, लेकिन क्या आप उस लेडी के बारे में जानते हैं जो पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर अमेरिका की कुर्सी पर काबिज होने वाली है? कमला हैरिस नाम है उनका। तो कमला हैरिस का इंडिया से क्या है नाता और कमला देवी कैसे बन गई कमला हैरिस, हम आपको बताते हैं। बता दें कि अमेरिका की नई नवेली वॉइस प्रेसिडेंट पैदा तो ऑकलैंड में हुई, पर नाम कमला देवी रखा गया। बहुत नाइंसाफी है। कमला हैरिस के पापा का नाम है डोनाल्ड। अरे अरे, इसे डोनाल्ड ट्रंप ना समझ लेना। कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप की नहीं बल्कि डोनाल्ड हैरिस की बेटी है। पापा हैरिस तो बेटी देवी कैसे बन गई? दरअसल कमला की मम्मी श्यामला गोपालन एक भारतीय है। इस तरह से पापा अफ्रीकी अमेरिकी और माँ भारतीय, और भारतीय परंपरा के अनुसार माँ ने शादी के बाद पति का सरनेम लगा लिया, जिससे कमला देवी को भी पापा का सरनेम मिला और कमला देवी कमला हैरिस बन गई। वैसे शादी के कुछ सालों बाद ही मम्मी पापा का तलाक हो गया और फिर मम्मी श्यामला गोपालन ने ही कमला हैरिस और उनकी छोटी बहन को पाल पोस कर बड़ा किया। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि माँ के गुण ही बेटी में आए और बेटी ने दुनिया की महाशक्ति के तौर पर अपना परचम लहराया। कमला अपनी माँ को लेकर कहती है कि मेरी माँ बहुत अच्छी तरह से समझती थी कि वो दो अश्वेत बेटियों की परवरिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अमेरिका में काले और गोरों को लेकर टंटा है, ये तो हर कोई जानता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के तौर पर कमला हैरिस ने 7 नवंबर 2020 को जो बाइडेन की राष्ट्रपति पद की दौड़ जीतने के साथ ही एक बड़ा खिताब अपने नाम किया। सबसे बड़ी बात कि भारत की बेटी ने इतिहास रचने का काम किया और सबसे पहला कि कमला हैरिस ने पहली महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर रिकॉर्ड कायम किया है। अगर कमला हैरिस के शुरुआती दिनों की बात करें तो कमला हैरिस ने मैग्निट यूनिवर्सिटी में बतौर टीचर काम करना शुरू किया। इसके साथ ही वो जोएस जनरल हॉस्पिटल में रिसर्च का काम भी किया उन्होंने। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कमला 1986 में ग्रेजुएशन और 1989 में कैलिफोर्निया से लॉ की पढ़ाई पूरी की। 2003 में सिटी और सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनी। 2010 में कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल और 2016 में यूएस सीनेटर बनी। इस तरह से ये सफर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की गद्दी तक पूरा हुआ। 2014 में कमला हैरिस की शादी डगलस एम होप से हो चुकी थी। कमला हैरिस ने हम महिलाओं को सशक्त किया और एक बार फिर से मेरा सिर एक महिला और भारतीय होने के नाते ऊंचा है। कमला हैरिस की जिंदगी हमें क्या सिखाती है, इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के सरल विश्लेषण के लिए देखते रहें द बोलती बंद। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।